गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर टू के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसमें से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पॉइंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस और वो सब हम लोगों ने निपटा दिया है. अभी तक हम लोगों ने कैसे कॉन्सेंट्रेशन को डिस्कस करना है, कैसे हेनरीज लॉ का कॉन्सेप्ट आता है यानी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसी आती है वो, और उसके साथ जो भी रिलेशंस है राउल्ट्स का वो रिलेशंस को हम लोगों ने देखा था. तो आज के लेक्चर में हम लोग उस टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे और उस टॉपिक से आगे बढ़ते हुए हम लोग आज के टॉपिक में राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशंस ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग राउल्ट्स लॉ के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को, और उसके बाद जो स्पेशल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है जिसको हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो आज के टॉपिक में हम लोग ये चार टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ ऐसा क्यों कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि राउल्ट्स लॉ के लिए हम लोगों ने क्या माइंड में सेट करके रखा हुआ था. तो राउल्ट्स लॉ के लिए हम लोगों ने जो देखा था उसमें हम लोगों के पास ऐसा था P1 दैट इज इक्वल टू कैपिटल P1 यानी P1 नॉट यानी प्योरेस्ट प्रेशर इंटू X1, ऐसा कुछ हम लोगों ने देखा था. ये बात हमारी किसके लिए थी? तो ये बात हमारी राउल्ट्स लो के लिए थी. उसके बाद हम लोगों ने ऐसा भी देखा था दैट इज पी इज इक्वल टू के एच इंटू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा. सपोज यहाँ पे हम लोगों ने वन कर दिया तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट हमारे पास कैसा आएगा, तो कि P1 ही आएगा. ये हमें किसने बताया था? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा हेनरीज लॉ था. तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज माइंड में सेट करके रखी. क्या माइंड में सेट करके रखी? यहाँ पे जो P1 नॉट था या फिर हम लोग कैपिटल P1 या प्योरेस्ट सॉल्वेंट का प्रेशर बोलते हैं वो KH से क्या होता था, सेम था. यानी यहाँ पे प्रेशर जो है वो X1 के कंपेयर में यानी मोल फ्रैक्शंस के कंपेयर में रहता था. यानी दोनों लो, राउल्ट्स लो और हेनरीज लो, दोनों क्या बोलते थे, जो भी सॉल्यूशंस का प्रेशर है वो उसमें सॉल्यूबल या फिर जितने भी अमाउंट में उसके अंदर गैस है उसके बेसिस पे हमें मिलेगा. तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसमें से हम लोगों ने क्या देखा. तो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय P1 इज इक्वल टू X1 इनटू P10 एज वेल एज इन द सॉल्यूशंस ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट its solubility is given by the Henry's law which states that P is equal to KH into X. तो यहाँ तक हम लोग क्या माइंड में सेट करेंगे? तो यहाँ तक हम लोग ये वाली चीज माइंड में सेट करेंगे कि जब आपके पास राउल्ट्स लॉ है वो वेपर प्रेशर का डिस्कशन करेगा, और जब आप हेनरीज लॉ की बात करोगे तब वो सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेगा. ये माइंड में आपको सेट रख के चलना है. यानी राउल्ट्स लॉ जो भी एक्सप्रेशंस देगा वो वेपर प्रेशर और वो भी वोलेटाइल कंपोनेंट के बेसिस पे देगा. यानी वोलेटाइल कंपोनेंट जितने ज्यादा होंगे उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी कैसे हम लोग मान के चलेंगे? तो सॉल्यूशंस ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड वन कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस एंड सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द सॉल्युबिलिटी व्हिच इज गिवन बाय द हेनरीज लॉ दैट इज P इज इक्वल टू KH इनटू X. यानी यहाँ पे भी वॉलेटाइल कंपोनेंट की बात की, यानी जितना भी कंपोनेंट वॉलेटाइल होगा उसके ऊपर प्रेशर की इम्पैक्ट ज्यादा होगी और वो सॉल्युबिलिटी ज्यादा दिखाएगा. यानी एक तरह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ जो है वो
स्पेशल केस ऑफ हेनरीज हम लोग बोल सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे आया। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमें दिया गया है इफ वी कंपेयर द इक्वेशंस फॉर राउल्ट्स लॉ एंड द हेनरीज लॉ दैट इज गिवन हियर। राउल्ट्स लॉ की जो फॉर्मूला है वो क्या है, पी वन इज इक्वल टू और पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी आई जीरो एंड फॉर हेनरीज लॉ पी इज इक्वल टू पी एच इंटू एक्स। So it can be seen that the partial pressure of a volatile component or a gas is directly proportional to its mole fraction in the solutions. So only the proportionality constant that is KH is differ from the P1 naught. So यहाँ पे Raoult's law में हमारे पास P1 है और Henry's law में KH है। यानी जब हम लोग ये proportionality constant को या फिर ये P1 और KH को निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, P1 is directly proportional to X1 हमें मिलेगा। यानी प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बेसिस पे हमें वर्क करेगा। फिर हम लोगों ने इसके बेसिस पे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, सो राउल्ट्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच द केएच बिकम्स इक्वल्स टू द पी1 नॉट। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमें क्या दिखाता है, तो हमें दिखाता है राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ एक दूसरे के स्पेशल केसेस के बेसिस पे हमें मिलने वाले। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास जो भी एक सॉल्यूशन है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। यानी हम लोगों ने ये मान के चला है कि अभी हमारे पास जो भी सॉल्यूशंस रहेगा वो लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है और वो लिक्विड भी हमारे पास वॉलेटाइल है। अभी हम उसके अंदर सॉलिड यानी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जब एड करेंगे तो वेपर प्रेशर पे क्या इम्पेक्ट रहेगी ये हम लोग देखने वाले हैं। सो अनदर इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड विच इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, say for example we can say the sodium chloride, glucose, urea and the cane sugar in water and iodine and sulfur can dissolve in carbon disulfide. So yahan pe hamare paas do type ke examples liye gaye hain. Suppose hum log polar solutions ki baat kar rahe hain to hamare paas jo bhi solid hai wo dissolved in liquid wala concept rahega, yani sodium chloride, glucose, urea aur cane sugar which are soluble in water, यानी ये पोलर की बात होगी, वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है। अब उस तरह से हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या फिर नॉन पोलर है, उसके अंदर हम लोग आयोडीन यानी आई टू या फिर सल्फर को हम डिजोल्व करेंगे। यानी यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या लिया, लाइक डिजोल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया। तो अभी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूशंस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट्स। सो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी या फिर वेपर प्रेशर के लिए जो भी इम्पैक्ट करेगा वो क्या करेगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशंस विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ द प्योर सॉल्वेंट्स। तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्या माइंडसेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सपोज यहाँ पे जो दिया गया है उस हिसाब से हमारे पास जो डायग्राम है वो डायग्राम में हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने एक प्योर सॉल्वेंट भर दिया, एक वेसल्स लिया, इसके अंदर हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट भरा। प्योर सॉल्वेंट के लिए हम लोग ऐसा मान सकते हैं उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर सेम टाइप के हमें क्या मिलेंगे, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हमें सरफेस पे मिलेंगे। यानी वो जब एस्केप हो जाएंगे, लिक्विड तो हमारा वॉलेटाइल था, यानी वो जब क्लोज सिस्टम्स के अंदर इवोपरेशन करना स्टार्ट करेगा तो हमारे पास वेपर में एक ही टाइप के क्या मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट मिलेंगे जो सॉल्वेंट के थे। अभी हम लोग फिगर बी में आ जाते हैं, तो फिगर बी में हमें क्या दिया गया है, तो फिगर बी में हमें दिया गया है कि हमारे पास सॉल्वेंट तो था ही लेकिन उसके साथ ये ग्रीन कलर का हमारे पास सॉल्यूट भी है। यानी एक तरफ सॉल्यूट फिर सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट, यानी 50% हमारे पास सॉल्यूट है और 50% हमारे पास सॉल्वेंट है। यानी हम लोग ऐसा मान सकते हैं जो हमारे पास फिगर ए में कंपोनेंट जितने भी थे यानी वेपर प्रेशर में जितने वॉलेटाइल कंपोनेंट थे उससे कम फिगर बी में हमारे पास वॉलेटाइल कंपोनेंट रहेंगे। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि फिगर ए में जो भी हमारे पास वेसल्स था उसमें हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट ही लिया था, अभी यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्वेंट के साथ वन मोल ऑफ सॉल्यूट भी लिया है जो नॉन वॉलेटाइल है। यानी सॉल्यूट ने सॉल्वेंट को रिप्लेस करके अपनी जगह बनाई, यानी जो सरफेस के ऊपर जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे वो भी कम हो गए, यानी वो जो एस्केप करने वाले थे अपने सिस्टम्स को वो भी कम हो गए। इसीलिए वहां पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, हम लोग वहां पे जो प्रेशर है उसमें कम महसूस करने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर,
we have learned in a class 11 of a unit 5 that liquids at a given temperature vaporize, and under the equilibrium conditions, the pressure exerted by the vapor of a liquid over the liquid phase is called the vapor pressure. तो यहाँ पे जो भी हमारे पास ये जो फिगर ए में जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं वो हमारे पास वॉलेटाइल सॉल्वेंट के हैं, उससे जब ये सरफेस है जो कंटेनर की जो सरफेस है उसके ऊपर जो भी प्रेशर लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर. सो इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड एंड इफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट टू गिव अ सॉल्यूशन the vapor pressure of the solution is solely from the solvent alone. So यहाँ पे हम लोग ने क्या mindset किया, तो हम लोगों ने यहाँ पे mindset किया ये pure solvent था, यानी vapor pressure भी हमारे पास pure solvent की जो molecules से उससे basis पे बनेगा. Solutions में हमारे पास जो volatile solvent था उसकी वजह से vapor pressure तो मिलेगा, लेकिन उसमें हम लोगों ने non volatile solute डाला इसलिए हमें क्या मिला, तो हम लोगों को उसमें vapor pressure कम होते हुए. कितना कम होगा, जितना हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर डाला है उस हिसाब से हमें मिलेगा. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी अ लोअर देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट अ सेम टेम्परेचर. सो दैट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द प्रीवियस फिगर. ऑल्सो इन द सॉल्यूशंस द सरफेस हैज द बोथ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड thereby the fraction of a surface covered by the solvent molecule get reduced and consequently the number of solvent molecule escaping from the surface is correspondingly reduced and thus the vapor pressure is also going to reduce. So hum logon ne jis tarah se hum logon ne kya kiya tha, hum logon ne jis tarah se hum discussion kiya tha us basis pe hum log aisa bol sakte hain फिगर ए के अंदर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था यानी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था. फिगर बी के अंदर हमारे पास क्या था, तो प्योर सॉल्वेंट की जगह पे हम लोगों ने उसमें सॉल्यूट डाला हुआ था, यानी सॉल्यूट जितना रहेगा उतना वो वेपर प्रेशर कम करने वाला है. अभी द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट present in the solution irrespective of its nature. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चीज माइंड में सेट करके रखनी है, यहाँ पे हम लोगों को ये वाली चीज माइंड में रखनी चाहिए. क्या माइंड में रखना है, तो सपोज हमारे पास डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, हम लोगों ने ऐसा तो सोच लिया कि प्रेशर कम होगा, लेकिन प्रेशर कितना कम होगा, तो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट विच डिपेंड्स ऑन which that is the quantity of a non-volatile solute present in the solution. यानी जितनी quantity हम non-volatile solute की बढ़ाएंगे उससे compare में या फिर proportionality में हमारा vapor pressure कम होने वाला है. Say for example, हम लोगों ने यहाँ पे क्या mind में रखा, हम लोगों ने यहाँ पे decrease in the vapor pressure of a water by adding the one mole of a sucrose to the 1 kilogram of water is nearly similar to that of that produced by adding the 1 mole of urea to the same quantity of a water at the same temperature. So yahan pe hame kya cheez mind mein set karke rakhni hai, yahan pe hame bola gaya hai hamare paas 1 mole sugar hai aur uske compare mein hamare paas 1 mole of urea hai. यानी हम लोगों ने 11th में जो पढ़ा था उस बेसिस पे हम क्या सोच सकते हैं, 342 ग्राम शुगर रहेगा और यहाँ पे हमारे पास यूरिया, यूरिया का मोलिकुलर मास क्या होगा, NH2CuNH2 दैट इज 60 ग्राम हमारा यूरिया का मोलिकुलर मास रहेगा. तो वो दोनों सेम हो गए, यानी इन लोगों से जो प्रेशर कम होगा दैट इज equal to pressure decreased. यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 1 kg वाटर के अंदर हम लोग 342 ग्राम शुगर डालें या फिर 60 ग्राम यूरिया डालें, दोनों के अंदर जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो इक्वली कम होने वाला है. क्यों, तो कि 11th में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, मोल दैट इज इक्वल टू ग्राम मोलेकुलर मास.
अब हम लोग 1 मोल यूरिया डालें या 1 मोल सुगर डालें, मोल कॉन्सेप्ट आया, यानी वो हमें क्वांटिटी देगा, क्वांटिटी देगा तो वो दोनों की क्वांटिटी सेम होने वाली, यानी 342 ग्राम सुगर में 60 ग्राम यूरिया जितनी क्वांटिटी हमें मिलने वाली है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में राउल्ट्स लॉ हमें क्या बोलता है। सो राउल्ट्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड दैट फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या बोला है यहाँ पे, हमको बोला गया है कि जब भी हम जनरलाइज टर्म की बात कर रहे हैं तो कोई भी सॉल्यूशंस का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है, या फिर कोई भी सॉल्यूशंस के अंदर किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके प्रोपोर्शंस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शंस, यानी मोल फ्रैक्शंस और प्रेशर एक दूसरे के क्या है हमारे पास यहाँ पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन अ बाइनरी सॉल्यूशंस लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाय वन एंड सॉल्यूट बाय द टू। यहाँ पे हमें माइंड में सेट करके रखना है अभी पूरे चैप्टर में, जब भी हमारे पास सॉल्वेंट आएगा तो उसको हम वन से ही डिनोट करेंगे, और जब भी हमारे पास सॉल्यूट आएगा उसको हम टू से ही डिनोट करने वाले हैं। व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन क्या ले ली, तो ये वाला हमारा नॉन वॉलेटाइल है क्या, तो सॉल्यूट ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज एंड कंट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेशर। सो लेट P1 बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट एंड X1 बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। P1 not be it's the vapor pressure in the purest state. So अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या माइंड में सेट कर दिया, अभी हमारे पास जो सॉल्यूट था वो नॉन वॉलेटाइल था, यानी जो भी प्रेशर बनेगा वो किसके बेसिस पे बनेगा, तो वो सॉल्वेंट के बेसिस पे बनेगा। इसीलिए वन जो हमने डिनोट किया था P1 that is the partial pressure or the vapor pressure of solvent, X1 is the mole fraction and the P1 not that is the vapor pressure in the purest form. So ये वाला चीज हमने यहाँ पे सेट किया। अभी राउल्ट्स लॉ जो हमने आगे देखा था वो उसमें क्या था, ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी वॉलेटाइल ऑयल का वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट कंपेयर में, यानी दिस वन P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1, सो वी कैन से दैट P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इन टू X1। यहाँ पे P1 नॉट क्या है, दैट इज द वेपर प्रेशर इन द प्योरेस्ट। So then proportionality constant is equal to the vapor pressure of a purest solvent that is P1 naught, and a plot between the vapor pressure and the mole fraction of a solvent is linear. तो यहाँ पे हम लोग इसके प्लॉट को हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे, तो हमको ऐसा बोला गया है that is P1 is equal to P1 naught की जगह पे यहाँ पे मैं P1 लिखूंगा into X1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है इसलिए मैं उसको जीरो लेता हूँ। तो ये फॉर्मूला जो है वो मैं किससे कंपेयर करूंगा, Y is equal to M into X plus C। यानी जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने जब ये ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सोचा तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट P1 ऑन अ वाई एक्सिस एंड मोल फ्रैक्शन ऑन एन एक्स एक्सिस, दैट इज आई गॉट। And what I will get a straight line which is obtained from the zero, that is this one. तो ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा जब हमें इसका हम लोग प्लॉट करेंगे या फिर हम लोग इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे ऐसे, तो ये स्लोप हमें क्या दिखाएगा, that is M
is equal to pure pressure, that is equal to capital P, या फिर हम इसको P1 नोट करें। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफिकल एक्सप्रेशंस हमारा हो गया। तो अ प्लॉट बिटवीन द वेपर प्रेशर दैट इज ऑन वाई एक्सिस एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज दिस वन इज लीनियर एंड दैट इज व्हाई वी कैन कंपेयर इट विद द लीनियर इक्वेशंस। तो इस तरह से हमारा ग्राफ भी मिलेगा, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम फाइंड करेंगे, ऐसे हमें लीनियर ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0 से 1 है तो यहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिलेगा, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट मिलने वाला है। जब हम लोग अभी राउल्स लॉ के बाद अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सॉल्यूशंस को, यानी हमारा जो तीसरा टॉपिक है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग सॉल्यूशंस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे या फिर कैटेगराइज करेंगे, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। तो अभी राउल्स लॉ के हिसाब से हम लोग करने वाले हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा जो भी सॉल्यूशंस अपनी एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस पे राउल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम आइडियल बोलेंगे, और जो फॉलो नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हम लोग बोलेंगे। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज गिवन टू अस। सो इन द आइडियल सॉल्यूशंस द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे द राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस आर टर्म्ड एज द आइडियल सॉल्यूशंस। सो द आइडियल सॉल्यूशंस हैव द टू अदर प्रॉपर्टीज, that is the enthalpy of a mixing of a pure component to form the solution is zero as well as the volume of mixing is also the zero। so yahan pe hum log kya mind mein set karke rakh sakte hain, to yahan pe hum logo ko ye wali cheez yaad rakhna hai ki jab hum log ideal solutions ki hum log baat karenge to wo har bar Raoult's law ko obey karega, kab, over the entire range of a concentrations। और ideal solutions के पास इसके अलावा दो property क्या है, तो उसके अलावा दो property ये है, delta H mixtures that is the enthalpy change of a mixture is zero and delta V of a mixture is zero, यानी volume change भी zero मिलेगा और enthalpy change भी zero मिलेगा, यानी exothermic endothermic कोई भी reactions हो लेकिन उसका net जो reactions है वो हमें क्या मिलेगा, zero मिलेगा। यानी आइडियल सॉल्यूशंस में ना एनर्जी रिलीज होगी ना एब्सॉर्ब होगी, या फिर एब्सॉर्ब और रिलीज होगी वो एक दूसरे के कंपेयर में होगी और वो नलीफाई करेगा। दूसरा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस है वो भी हमें जीरो मिलेगा, यानी जो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो भी हमें क्या मिलने वाला है, हमें जीरो मिलने वाला है। ये हमें यहाँ पे माइंड में सेट करके रखना है। ओके, अब हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस को थोड़ा डीप में जानेंगे। इट मींस दैट नो हीट इज एब्सॉर्ब और इवॉल्व व्हेन कंपोनेंट आर गेटिंग मिक्स्ड। आल्सो द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशंस वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ टू कंपोनेंट। अभी डेल्टा एच हम लोगों ने जीरो ले लिया था, इसका मतलब क्या हुआ, तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन नो हीट इज एब्सॉर्ब और इवॉल्व। Also the volume change that is delta V is also zero, that means the sum of the volume of a two component is equal to zero, that is no change in the solutions will be there। So at a molecular level we can say that the ideal behavior of the solutions can be explained by the considering the two component A and B। So now in the pure component the intermolecular attractive interactions will be a type of A and BB, whereas in the binary solutions in additions to those two interactions will get AB type of interactions will also be present। So if the intermolecular attractive forces between the A and BB are nearly equal to those between the AB which leads the formations of the ideal solutions, yani hum logo ko yahan pe pata hai, kya pata hai hum logo ko, हम लोगों को ये चीज पता है कि सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट के साथ जब मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा।
यानी सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, सॉल्वेंट हमने ए ले लिया, सॉल्यूट को हमने क्या ले लिया, सॉल्यूट को हमने ले लिया बी, तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस मिलेगा वो ए बी टाइप का मिलेगा। यानी अब हम लोग सपोज इंटरैक्शंस की बात करेंगे, तो इंटरैक्शंस हमें क्या मिलेगा, तो सॉल्वेंट जो है उसके अंदर हमें ए टाइप का इंटरैक्शंस मिलेगा, फिर सॉल्यूट जो है उसके अंदर हमारे पास बी बी टाइप का मिलेगा। यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब नियरली इक्वल टू ए बी टाइप मिलेगा तो वो हमें क्या बनाएगा, तो वो जो सॉल्यूशंस मिलेगा वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस मिलने वाला है। ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे है। यानी हम लोगों ने क्या देखा, सॉल्यूशंस जो भी है वो हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर से मिलेगा। अभी हम लोगों ने सॉल्वेंट को ए ले लिया, सॉल्वेंट को बी ले लिया, तो हमारे पास ये क्या मिला, ए बी टाइप का सॉल्यूशंस मिला। अभी सॉल्वेंट के अंदर जो इंटरैक्शंस हो रही है वो कैसी है, वो इंटरैक्शंस ए टाइप की है, सॉल्यूट के अंदर जो इंटरैक्शंस हो रही है वो ए बी टाइप की है, और सॉल्यूशंस के अंदर जो भी इंटरैक्शंस हो रही है अलोंग विद दैट ए एंड बी बी विल गेट द ए बी। तो ये ए और बी बी का जो सम्मेटिव वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट ए बी के साथ मैच करेगा तो ही वो हमें आइडियल सॉल्यूशंस बनाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ध्यान रखने जैसा है। ओके, so a perfectly ideal solution is rarest but the sum of the solutions are nearly ideal in the behavior. So we have the examples of ideal solutions, that is the n hexane and n heptane, bromoethane and chloroethane, benzene and toluene etc fall into this category. तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ये भी माइंड में सेट करके रख सकते हैं, ज्यादातर आइडियल सॉल्यूशंस हमारे ऑर्गेनिक या फिर नॉन वोलेटाइल होंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लिया है एन ब्यूटेन n heptane n hexane, bromomethane and chloroethane, benzene and toluene, such are the non-polar as well as the organic solvent. So majorly, we can't say 100%, majorly we have ideal solutions of a kind of the volatile part or the organic part. अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, that is the non-ideal solutions. तो ideal solutions में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ideal solutions में वो राउल्ट्स लॉ को 100% फॉलो करेगा, डेल्टा एच जीरो होगा, डेल्टा वी भी जीरो होगा, यानी एंथैल्पी चेंज जीरो और जो डेल्टा वी है वो भी जीरो मिलेगा, यानी वॉल्यूम चेंज भी जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हमें क्या माइंड में सेट करके रखना है, तो आइडियल सॉल्यूशन से पूरा उल्टा। तो आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता था, ओबे करता था, तो ये अभी ओबे नहीं करेगा। आइडियल सॉल्यूशंस में डेल्टा एच जीरो था तो यहाँ पे डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। आइडियल सॉल्यूशंस में वॉल्यूम चेंज जीरो था तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज जीरो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे व्हेन अ सॉल्यूशंस डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशंस व्हिच आर टर्मड एज द नॉन आइडियल, वेपर प्रेशर ऑफ अ सच सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन दैट ऑफ द प्रेडिक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ। सो यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशंस बोला गया है। इक्वेशंस कौन सी बोली गई है, तो इक्वेशंस 2.16 बोली गई। तो 2.16 में हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा था, P total that is equal to P1 not into X1 plus P2 not into X2, ऐसा कुछ हम लोगों ने देखा था। या फिर हम लोग उसका डिराइव्ड जो कॉन्सेप्ट था उस हिसाब से भी हम लोग देखेंगे, P1 not plus P2 minus P1 not into X2, ऐसा कुछ जो भी हमारी फॉर्मूला थी उस हिसाब से हम लोग वहां पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये वाली इक्वेशन नंबर 16 थी। यानी हम लोगों ने ऐसा देखा कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा और उसका जो प्रेशर है पी टोटल जो है वो हायर या लोअर हो सकता है। तो अभी जब ये प्रेशर हायर होगा, सो इफ इट इज हायर द सॉल्यूशन एग्जिबिट द पॉजिटिव डेविएशंस, एंड इफ द प्रेशर इज लोअर देन इट एग्जिबिट द नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, राउल्ट्स लॉ के लिए हम लोगों ने देखा था P1 इज इक्वल टू X1। अभी P1 इज नॉट इक्वल टू X1 है, यानी वो अभी ज्यादा भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है। सो द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस और प्रेशर एज द फंक्शंस ऑफ द मोल फ्रैक्शंस फॉर अ सच सॉल्यूशंस आर गिवन इन द फॉर्मूला और द फिगर्स, दैट इज दिस वन। तो हम लोगों ने आगे जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखी थी
या फिर हम लोगों ने जो ग्राफिकल एक्सप्रेशंस हम लोगों ने किया था, वो ग्राफिकल एक्सप्रेशंस में हम लोगों ने क्या देखा था, जब हम लोग प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया था, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो जब हम लोगों ने प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शंस का ग्राफ हम लोगों ने जब प्लॉट किया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर ले लिया था और यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ले लिया था। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या ग्राफिकल एक्सप्रेशंस मिला था, तो ग्राफिकल एक्सप्रेशंस में हम लोगों को यहाँ पे ऐसा कुछ मिला था, ये वाला ऐसी एक लाइन यहाँ पे मिली थी। दूसरी हम लोग लाइन प्लॉट करें तो ये वाली लाइन हमें ऐसी कुछ मिली थी और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला था, हम लोगों को यहाँ पे पी टोटल वाला कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ मिला था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसा डिसाइड किया था कि हमारे पास x1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 1 था। उस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया था, x1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे x2 इज इक्वल टू हम लोगों ने 0 ले लिया। यानी ये जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ हमें क्या दिखाता है, ये हमें ग्राफ दिखाता है राउल्स लॉ फॉलो करता है या नहीं करता है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई देगा, तो सपोज हम लोग पॉजिटिव डेविएशंस की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव डेविएशंस शो करेगा और ये वाला जो है, ये जो ग्राफ है बी, वो हमें क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशंस। तो हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं कि जो राउल्स लॉ फॉलो करता है उसके लिए हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी दिखाई देगा वो पॉजिटिव डेविएशन है और वो नीचे की साइड पे जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव डेविएशंस। तो ये वाला सेगमेंट हम लोगों ने यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में दिया। अभी पॉजिटिव डेविएशंस, यानी पॉजिटिव डेविएशंस के लिए हम सपोज एक ग्राफ प्लॉट करना चाहे, ये वाला सपोज हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ऐसा, और यहाँ पे हम लोग इसको ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ऐसे कुछ आती है ऐसे, तो ये हमें क्या दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशंस हमें दिखाई देगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास रहेगा। तो द कॉज फॉर दिस डेविएशंस लाइज इन द नेचर ऑफ इंटरैक्शंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द राउल्स लॉ AB इंटरैक्शंस आर वीकर देन दोज ऑफ द AnBb। तो हमारे पास पहले क्या कॉन्सेप्ट था, पहले हमारे पास राउल्स लॉ में ऐसा कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने क्या देखा था, A+BB दैट इज इक्वल टू A और B, ऐसा हमारे पास था। तो अभी हम लोग सपोज पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A+BB जो है वो ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, AB के कंपेयर में, यानी ये वाला रिलेशंस हमें मिलेगा यहाँ। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, फ्रॉम द राउल्स लॉ वी कैन से दैट द AB इंटरैक्शंस आर वीकर देन दोज ऑफ द बिटवीन द A and BB, दैट इज इन द केस इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर वीकर then those between the solute-solute and the solvent-solvent molecule। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी ये वाली जो फॉर्मूला या फिर ये वाला जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया उसको हमको ये माइंड में सेट करके रखना है। यानी पॉजिटिव डेविएशंस के लिए हमें क्या मिलेगा,
ए प्लस बी बी की वैल्यू ज्यादा मिलेगी और ए बी की वैल्यू कम मिलेगी, यानी सॉल्यूशंस में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो वीक है कंपैरेटिवली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर जो मिल रहा है उसके. सो दिस मीन्स दैट सच सॉल्यूशंस मॉलिक्यूल्स इन सच सॉल्यूशंस द मॉलिक्यूल्स ए और बी विल फाइंड इट इजियर टू एस्केप देन इन द प्योरेस्ट स्टेट एंड दिस will increase the vapor pressure and result in the positive deviations. तो ये वाला जो concept है या फिर ये वाला जो point है, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? हमें यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि component which have weak interaction will leave its phase easily. That is, we can say it has low boiling points. So, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा या फिर हम लोग ऐसा माइंड में रखेंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो हमारा लो बॉइलिंग लिक्विड होगा, ऐसा हमें यहाँ पे मिलने वाला. सो मिक्सचर्स ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर. सो इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड. ऑन एडिंग द एसीटोन इट्स मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द होस्ट molecules and break the sum of the hydrogen bonds between them, and due to the weakening of interactions the solution shows the positive deviations from the Raoult's law. yani yahan pe hum logo ne kya le liya, hum logo ne ethanol aur acetone le liya. ethanol yani C2H5OH, acetone yani CH3CO CH3. to pure jo ethanol tha uske andar hame kya mil raha tha, hydrogen bond mil raha. अब जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे एसीटोन को, वो क्या करेगा, होस्ट यानी इथेनॉल के अंदर चला जाएगा. तो वो क्या ब्रेक करेगा, ब्रेक सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी वो इंटरेक्शंस को क्या कर देगा, वीक कर देगा. तो वो सॉल्यूशंस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा. सो इन सॉल्यूशंस formed by adding the carbon disulfide to the acetone, the dipolar interactions between the solvent solute molecules are weaker than the respective interactions among the solute and solvent and solvent solvent molecules. So the solutions also shows the positive deviation. So you can take the example of ethanol acetone, or you can take the examples of the carbon disulfide and the acetone. So wherever you are making the bond weakening will gives you a positive deviations from the Raoult's law. So that is the point that we have to discuss over here. Now the next point that we can target, that is the graphical expressions that already we had discussed. When we are plotting the vapor pressure versus the mole fraction, we'll get the straight line in terms of the Raoult's law. If it get the deviated from the above side or the positive side, will gives us the positive deviations, and ultimately this vaporization becomes easier, and so we can say that it is the low boiling liquids. Now the negative deviations. So in case of a negative deviations from the Raoult's law, the intermolecular attractive forces between the AA and BB are weaker than those of the AB and leads to decrease in the vapor pressure, resulting in the negative deviations. An example of this type of mixtures of the phenol and aniline. तो पहले वाले केस में हमें क्या बोला गया था, पहले वाले केस में हमें बोला गया था इंटरक्शंस वीक होने वाली है. अभी यहाँ पे हम लोग किसको वीक करेंगे, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशंस इंटरमोलेक्युलर एट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन व्हाट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट इज ए एंड बीबी आर गेटिंग वीक. उस पॉजिटिव डेविएशंस में हम लोगों ने क्या किया था, इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज मोर प्रोनाउंस्ड देयर, दैट इज द स्ट्रॉन्गर. यहां पे हम लोग उसको वीक बना रहे हैं. पॉजिटिव डेविएशंस में हम लोगों ने सॉल्यूशंस की इंटरेक्शंस को वीक बनाई थी, यहां पे हम लोग सॉल्यूशंस की इंटरेक्शंस को क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्गर बनाएंगे. सो देन दोज ऑफ द ए बी टाइप एंड व्हिच लीड्स इन द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर,
यानी सॉल्यूशंस के अंदर इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो सॉल्यूशंस में एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, उसके लिए हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर कम हो गया। तो उसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, फिनॉल और एनिलीन, यानी उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, यानी जितना बॉन्डिंग ज्यादा बनेगा वो इंटरेक्शन ज्यादा शो करेगा और वो उसका अपना वेपर प्रेशर कम करेगा। So in this case, the intermolecular hydrogen bonding between the phenolic proton and the lone pair of nitrogen from the aniline is stronger than respective intermolecular hydrogen bonding between the similar molecules. So similarly, a mixture of a chloroform and acetone forms a solution with the negative deviations from the Raoult's law, and this is because the chloroform molecules is able to form the hydrogen bond with the acetone molecules as shown like this. So ye wala jo formula hai, ye hamara acetone hai, CH3COCH3, aur ye hamara CHCl3 hai. So hydrogen bond kiske beech mein banega, carbonyl ke oxygen aur chloroform ke hydrogen ke beech mein hydrogen bond form karega. So this decreases the escaping tendency of a molecules for each component, and consequently the vapor pressure decreases and resulting in the negative deviations from the Raoult's law. तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज mind में रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ये mind में रखेंगे, suppose मेरे पास negative deviation है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे A plus जो BB वाला जो segments था उसकी interactions मैं क्या करूँगा, कम कर दूँगा इसके कंपेयर में, दैट इज द सॉल्यूशंस व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन द एबी। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट आएगा, और इसका मतलब क्या हुआ, तो इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है विच ऑल्सो इंक्रीजेस, ऐसा हमें मिलेगा। तो ये चीज हमें माइंड में सेट करके रखनी है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लोरोफॉर्म एज वेल एज द एसिटोन, phenol and the aniline as well as the chloroform and the acetone, that is the example. So ultimately decrease the escaping tendency and ultimately vapor pressure get reduces and shows the negative deviations from the Raoult's. So ye wala segments hume yahan pe mind mein set karke rakhna hai. To uska graphical expressions kya aayega, तो उसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन हमें जो आगे के केस में पॉजिटिव ऊपर की ओर मिल रहा था, ये हमें अभी नीचे की ओर मिलेगा, यानी वो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा, यानी वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा के। अभी एजियोट्रॉप्स, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज डिस्कशंस, दैट इज एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप हम किसको बोलेंगे, दो मिक्सचर्स या फिर ऐसा सॉल्यूशंस के जिसमें जो कंपोनेंट है उसके जो बॉइलिंग पॉइंट वो सेम हो जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉप्स। सो सम लिक्विड्स ऑन अ बॉइलिंग और सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म्स द एजियोट्रॉप्स व्हिच आर बाइनरी मिक्सचर्स having the some compositions in a liquid and the vapor phase and boil at a constant temperature. So in such case it is not possible to separate the component by the fractional distillation. So hum log aisa bolenge 95% purest ya fir 95% ethanol jo hai wo bhi iska example hai, yani hum log azeotrope ke liye kaun si cheez mind mein set karke rakhenge. To azeotropes jo hai wo binary solutions hai ya fir binary mixtures hai, उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो सेम मिलेगा लिक्विड फेज में और वेपर फेज दोनों में, और वो क्या होगा, बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी तीन चीज हो गए, बाइनरी मिक्सचर्स हो गया, कंपोजिशन सेम मिलेगा लिक्विड और वेपर फेज में, और उसका जो टेम्परेचर है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट रहेगा। सो इसका हम लोग सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी नहीं कर पाएंगे, यानी एक बार एजियोट्रॉप्स बन गया, मिक्सचर्स बन गया, तो उसको हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी।
So there are two types of azeotrope that are termed as the minimum boiling azeotropes as well as the maximum boiling azeotropes. So these solutions which shows the large positive deviations from the Raoult's law form a minimum boiling azeotropes at a specific compositions. तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ऐसा देखा था कि पॉजिटिव जो डेविएशन शो करेगा उसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, लेस होगा, यानी वो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इजी, या फिर वो हमारे पास वेपर प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी पॉजिटिव डेविएशंस में बॉइलिंग पॉइंट कम था और उसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा था, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इसीलिए हम उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलेंगे। उसी तरह से हमारे पास नेगेटिव डेविएशन जो था उसके लिए हम लोगों ने क्या सोचा था, बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, हाई होगा, मींस इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी वो हमारे पास क्या शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो करेगा, ये हमें माइंड में रखना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे माइंड में रखना ही रखना। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, दैट इज द एजियोट्रॉप्स का जो नेक्स्ट जो एग्जांपल सेगमेंट्स है वो। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इथेनॉल वाटर मिक्सचर व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशंस ऑफ सुगर ऑन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस गिव्स द सॉल्यूशंस कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। वंस दिस कंपोजिशंस is achieved, which is termed as the azeotrope compositions, has been achieved. The liquid and the vapor having the same compositions, that is 95 ethanol and 5 ml or a gram of water, and no further separations can be occurred. So the solutions that shows the large negative deviations from the Raoult's law forms a maximum boiling azeotropes at a specific compositions. So the example is nitric acid and water is an example of a class of azeotrope. So this azeotrope has the approximate compositions of 68% nitric acid and 32% of water by mass and with the boiling point of 393. So yahan pe hamare paas jo azeotrope ke jo example hai ye wala ethanol water ye hame positive deviation show karega ya fir hum log bolenge minimum boiling wala concept और ये नेगेटिव डेविएशंस बनाएगा, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और उसका एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर हैविंग द 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% ऑफ वाटर विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 393.5। यहाँ पे हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 था, लेकिन नाइट्रिक एसिड डालने की वजह से उसका इंटरेक्शन बढ़ गया और इसीलिए हमें यहाँ पे क्या मिला, तो यहाँ पे हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिला, लेकिन वो वाटर और नाइट्रिक एसिड दोनों के लिए सेम रहेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे था। तो होप कि आप लोगों को यहाँ तक के सारे पॉइंट अच्छे से मालूम पड़ गए होंगे। एक बार वीडियो देख के आपको क्या करना है, फिर से टेक्स्ट बुक में रीड करना है। हम लोग जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी है वहां से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वर्कआउट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।